अस्सलाम वालेकुम रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल अहफाज एजुकेशनल स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग। हम मज़मून की शुरुआत एक शेर से करते हैं। कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, मैं कुछ न जानता था सब कुछ मुझे सिखाया। पहुंचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से, वाकिफ न था जरा भी इतने बड़े जहां से। दुनिया में कुछ रिश्ते खूनी होते हैं, जबकि बहुत से रिश्ते और ताल्लुक रूहानी, अखलाकी और माशरती तौर पर बनते हैं। उन्हीं में से एक रिश्ता उस्ताद का भी है। उस्ताद को माशरे में रूहानी वालिदैन का दर्जा हासिल है। इस्लाम में उस्ताद का रुतबा वालिदैन के रुतबे के बराबर करार दिया गया है, क्योंकि अगर दुनिया में वालिदैन के बाद बच्चे की तरबियत की जिम्मेदारी आयद होती है तो वो मुअल्लिम यानी उस्ताद है। उस्ताद किसी भी माशरे के मेमार होते हैं। उस्ताद पत्थर को हीरे में बदलने की सलाहियत रखता है। उस्ताद की अहमियत इल्म की बारिश की सी है, जो ज़मीन बारिश को जज्ब करने की सलाहियत रखती है वो बारिश के फैज से सरसब्ज व शादाब हो जाती है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हमारे मुल्क के साबिक सदर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के यौम पैदाइश पर यौम असातेजा यानी टीचर्स डे मनाया जाता है। इनकी पैदाइश 5 सितंबर 1888 सन ईस्वी को तमिलनाडु में हुई। डॉक्टर राधाकृष्णन एक अजीम फलसफी और माहिर तालीम के तौर पर मशहूर हुए। राधाकृष्णन एक कामयाब मुदर्रिस और मुसन्निफ थे, इसलिए हर साल डॉक्टर राधाकृष्णन की यौम पैदाइश पर उस्ताद की अहमियत को बताने के लिए टीचर्स डे मनाया जाता है। इस मौके पर हमें चाहिए कि हम अपने टीचर का शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने हमें सही रास्ता दिखाया, असली तालीम के साथ साथ दीनी तालीम से रोशनास कराया, अच्छे अखलाक व अदाब से रूबरू किया, हमारी गलतियों पर हमें समझाया और अच्छी नसीहतें की। मज़मून के अख्तिताम पर एक शेर है। गुमनामी के अंधेरे में ता एक पहचान बना दिया, दुनिया के गम से उन्होंने मुझे अनजान बना दिया। उनकी मुझ पर ये कैसी मेहरबानी हुई कि मेरे उस्ताद ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया।